सिर्फ 179 रन बनाकर ढेर हो गई। विराट को लगा था कि वो वर्ल्ड कप की जंग शुरू होने से पहले प्रैक्टिस मैच के जरिए नंबर चार की अपनी सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर देंगे, लेकिन ना तो नंबर चार की टेंशन खत्म हुई और ना ही भारतीय बल्लेबाज बैटिंग प्रैक्टिस ही कर पाए। उल्टे न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच ने टीम इंडिया की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। वो तो जडेजा ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम इंडिया को शर्मसार होने से बचा लिया, वरना भारतीय दिग्गज बल्लेबाजों ने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया था, क्योंकि सिर्फ 91 रन के स्कोर तक भारत के सात बल्लेबाज आउट हो चुके थे। टीम इंडिया की ओपनिंग की जान रोहित और धवन मिलकर सिर्फ 4 रन ही जोड़ पाए, तो लोकेश राहुल और कार्तिक भी मिले मौके को भुना नहीं पाए। वहीं कप्तान कोहली के लिए भी इस दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच में रोहित शर्मा 6 गेंद खेलकर सिर्फ 2 रन ही बना पाए, तो शिखर धवन भी 7 गेंद का सामना कर सिर्फ 2 रन ही जोड़ सके। विराट कोहली 24 गेंद खेलकर 18 रन बनाकर आउट हो गए, तो धोनी भी 42 गेंदों का सामना कर सिर्फ 17 रन ही जोड़ पाए। जबकि लोकेश राहुल के बल्ले से 10 गेंदों पर सिर्फ 6 रन ही निकल सके, तो दिनेश कार्तिक भी 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में रविंद्र जडेजा ने 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 50 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली। जडेजा की इस पारी के दम पर ही टीम इंडिया 91/7 से 179 रन तक पहुंच सकी। जडेजा के अलावा हार्दिक पांड्या ने भी 6 चौके जड़ते हुए 37 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली। प्रैक्टिस मैच के प्रदर्शन से टीम इंडिया के मिशन वर्ल्ड कप पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच ने भारतीय बल्लेबाजों को नींद से जगाने का काम जरूर किया है। और अब वर्ल्ड कप की जंग में उतरने से पहले भारतीय बल्लेबाजों के पास बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा प्रैक्टिस मैच ही बचा है, और दूसरे प्रैक्टिस मैच में विराट के वीरों को हर हाल में लय में लौटना ही होगा, क्योंकि सवाल 130 करोड़ भारतीयों के सपने का है, सवाल वर्ल्ड कप का है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। और सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की बल्लेबाजी को काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच देखने को मिला और जिस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने मानो सरेंडर कर दिया, इससे टीम इंडिया की एक बड़ी टेंशन कहा जा सकता है। देखिए, आप सरेंडर नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि इन्होंने कुछ ट्राई किया। देखिए, टॉस जीता, पहले बैटिंग की, क्योंकि उनको लगता है कि आप जब लीग स्टेज स्टार्ट होगा शायद आप सारे टॉस जीत नहीं सकते, कई बार आपको पहले बैटिंग भी करना सकते हो। तो एक वहाँ एक चीज़ देखने को मिली कि नया बॉल अगर कंडीशंस थोड़ी स्विंग हुई तो स्ट्रगल करेंगे, पर यहाँ पर खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप 20 ओवर क्रिकेट से आप सीधा 50 ओवर क्रिकेट में आए जहाँ पर आपने 50 ओवर भी पूरे नहीं खेले, तो ये थोड़ा कंसर्न रहेगा। कि अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 170 रन बनाए, पर आप 50 ओवर जब तक नहीं खेलेंगे तो रन भी कम बनेंगे, जब 50 ओवर खेलेंगे तो टारगेट भी अच्छा बनेगा। तो ये चीज थोड़ी वर्क करनी पड़ेगी। अब जो प्रैक्टिस मैच में देखने को मिला, जो कमियां दिखी, वो शायद अगले प्रैक्टिस मैच में देखने को ना मिली, क्योंकि आप इस मैच में 2 प्लेयरों से कम गए। जैसे बात मैं शो पे कहा था कि हम 13 प्लेयर्स हैं, क्योंकि केदार यादव अभी अनफिट है, वो पहला मैच शायद वर्ल्ड कप के खेले भी ना, और दूसरा विजय शंकर कुछ दिन पहले नेट पे इंजर्ड हो गए। तो यहाँ थोड़ा कंसर्न है कि आपका बैटिंग ऑप्शन पे जिनको आप खिलाना चाहते हो अगर वही नहीं खेलेंगे तो थोड़ा कम्बिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। पर बात वही है कि अगर आपको किसी की जगह मिलती है, अगर आप उसको ग्रैब नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, यानी मोड भी चेंज करने की जरूरत है और जिसे मौका मिल रहा है उस मौके को इनकैश करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज अमित जी, ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में ओपनर्स के लिए कंडीशन काफी टफ होती है, वार्म अप मैच में भी जिस तरीके से रोहित शर्मा हो या शिखर धवन, दोनों ने अपने विकेट गंवाए, अपने विकेट फेंके इन्होंने, आपको क्या लगता है कि वाकई कंडीशन बॉलर्स फ्रेंडली थी? देखिए, इंग्लैंड में कंडीशन हमेशा अच्छी होती है, अगर थोड़ा फ्लैट विकेट मिला तो दिक्कत आती बॉलर्स के लिए, पर जिस तरह से रूल्स बने, जिस तरह से नई गेम प्लान बना है, मैं मानता हूँ कि हर बॉलर के लिए इतना आसान नहीं होता कि हर विकेट पर बॉल डालना। अब ये देखिए, न्यूजीलैंड ने कल जिस तरह से थोड़ा हेल्पफुल कंडीशन थी, उन्होंने उस कंडीशन का फायदा उठाया और विकेट्स ली सब बॉलर्स ने। पर एक चीज़ हमें ये पता है कि हमने ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी धोनी की कप्तानी में, तब पहली बार हमने रोहित शर्मा शिखर धवन का कम्बिनेशन देखा था एज ए ओपनर। आप दोनों इतना साल से इकट्ठे ओपनिंग करते आ रहे हैं, पर जिस मैच में ये चलेंगे वो हिंदुस्तान का मैच आराम से जीतेगा। जिस मैच में दोनों जल्दी आउट होंगे तो शायद हम बड़े टारगेट की तरफ कम जा पाएंगे, और जो हमने कल देखा तो शायद फिर दोबारा हमें देखने को मिल सकता है अगर हमारे टॉप 3 ने रन नहीं किए। बिल्कुल, लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि